वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबां केसरी। देश में लोकसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं और मध्य प्रदेश में जिस तरह से कांग्रेस को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय सिंह जी। सर, जिस तरह से एमपी के चुनाव परिणाम आए हैं, क्या लगता है सर कांग्रेस से कहाँ चूक हुई इस बार? नहीं, एमपी में पिछले चुनाव में हम एक सीट जीते थे, अब की दुर्भाग्य से वो भी सीट चली गई, तो कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। 28-1 था, इस दफ़े 29-0 है। हाँ, लेकिन पूरे देश में जिस तरह से रुझान कांग्रेस के पक्ष में काफ़ी कुछ देखने को मिला, वो कांग्रेस का वो हालत, वो प्रदर्शन मध्य प्रदेश में नहीं था, वो दुखदाई है। सर, क्या लगता है आपको, जैसा चुनाव संगठन की ओर से लड़ना चाहिए था, वैसा चुनाव बेहतर लड़ा संगठन ने मजबूती से? इसका उत्तर संगठन ही दे सकता है, उसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करता हूँ। और संगठन तो सिर्फ हाल में नए नए अध्यक्ष बने थे, उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या कमी थी, उसका उत्तर मेरे ख्याल से जीतू पटवारी जी देंगे। सर, जीतू पटवारी जी को विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद अध्यक्ष बनाया, तो क्या लगता है जो पीढ़ी परिवर्तन का फैसला कांग्रेस ने लिया था, जैसे जीतू पटवारी को अध्यक्ष बनाया, उमंग सिंघार को नेता प्रतिपक्ष बनाया, तो वो लाभकारी वो कैसा रहा कांग्रेस पार्टी के लिए? अब नतीजे सामने हैं, अब आप देख लीजिए कैसा रहा। और इस चुनाव के नतीजे के बाद मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश के अलावा और भी प्रांतों में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी समीक्षा करेगी और जो निर्णय लेगी वो सर्वोपरि है। सर, दिग्विजय सिंह भी इस बार चुनावी मैदान में थे, अपने ही गढ़ से चुनाव हार गए, कांतिलाल भूरिया भी हार गए, नकुलनाथ भी चुनाव हार गए, तो कांग्रेस के जो दिग्गज थे, ऐसी उम्मीद थी कि यहाँ से तो कुछ सीटें आ सकती हैं, वहाँ से भी नहीं आ पाई सीटें, तो क्या लगता है सर? अब तो क्या लगता, क्या अब तो होना था जो हो गया, बुरा है। और सभी बड़े नेताओं के क्षेत्र में सभी के यहाँ दिक्कत हुई, क्या बताया जाए। इसको ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए सर? मैंने पहले कह दिया, कांग्रेस हाईकमांड को सोचना पड़ेगा, मध्य प्रदेश के लिए अलग से रणनीति तैयार हो और यहाँ पर जिस तरह का भी फैसला वो करें, सबको साथ लेके जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनसे चर्चा करने के बाद ही कुछ निर्णय हो, ज़्यादा उचित है। चुनाव में सर आपसे किसी तरह की चर्चा हुई थी कि आपको भी साथ अलग अलग क्षेत्रों में प्रचार करें, जैसे जो अध्यक्ष होते हैं वो बाकी के बड़े नेताओं से चर्चा करते हैं? मुझे चर्चा की थी कि रीवा और सीधी आप विशेष ध्यान दें, तो मैं रीवा और सीधी दोनों लोकसभा क्षेत्र में जितना समय था उसमें किया मैंने। सर, लेकिन कमलनाथ और दिग्विजय सिंह अपने क्षेत्र के अलावा दूसरी जगह ज़्यादा प्रचार करने नहीं पहुँचे थे, इसका भी कुछ नुकसान हुआ क्या सर पार्टी के? अब ये पूरे चुनाव का विश्लेषण ही होता रहेगा, इसके लिए क्या किया जाए, कौन गया कौन नहीं गया। आपकी नज़र में क्या लगता है सर, अगर जाते तो कुछ लगता है कि फ़ायदा हो सकता था बाकी जगह? अब इस तरह के प्रश्न के उत्तर देने कोई मतलब नहीं होता। तो ये अजय सिंह हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, जिनका कहना है कि मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में चुनाव की समीक्षा होगी, तो मध्य प्रदेश में भी चुनाव की समीक्षा होगी और आगे किस तरह से बेहतर और कांग्रेस पार्टी काम करे, इसको लेकर आगे और मंथन होगा। भोपाल से TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमिर खान। वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबां केसरी।